Hello everyone, welcome to Free Study. So this is the next part for Insights on India, August 2019 Current Affairs, and we have already covered four videos. So हमारी four videos हो चुकी हैं and this is the fifth video. इसका जो facts of prelims होगा उसके लिए मैं एक अलग से video बनाऊंगी and अभी हम करने जा रहे हैं page number 151 to 182. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड बिकॉज देयर आर 195 पेजेस, तो इसीलिए ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी भी बनी एंड इसके लिए ज़्यादा हमें वीडियोस भी अपलोड करनी पड़ी. बट अगेन, काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंदर ऐसे थे जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे, तो हमारा टाइम कहीं ना कहीं वहाँ बचा भी, तो बैलेंस कर गया. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फेडोर से. एंड FEDOR, तो ये एक अनमैन्ड रॉकेट है जो कि रशिया ने लॉन्च किया है स्पेस के अंदर. ठीक है, इसके अंदर लाइफ साइज ह्यूमेनॉइड रोबोट होगा एंड जो कि 10 डेज स्पेंड करेगा लर्निंग टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. नोन एज फेडोर मीन्स फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च. जो स्काईबोट F850 है, ये पहला ह्यूमेनॉइड रोबोट है जिसे स्पेस में रशिया ने भेजा. रोबोट का मेन पर्पस यही है कि इसको ऑपरेशंस में यूज़ किया जाए जो कि स्पेशली डेंजरस होता है फॉर ह्यूमंस ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट एंड इन आउटर स्पेस. फेडोर जो कि हु इज़ द साइज एन अडल्ट, एक अडल्ट जितने साइज का होगा एंड ये मूवमेंट्स कर सकता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हैज़ अपेरेंटली एम्ब्रेस्ड हिज मिशन डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज एन असिस्टेंट टू द ISS क्रू. तो ये असिस्टेंट टू द ISS क्रू बन के जा रहा है. सिग्निफिकेंस क्या है? फेडोर कॉपी करेगा ह्यूमन मूवमेंट्स को. एक की स्किल है जो कि उसको अलाउ करेगा, एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करेगा, इवन पीपल को भी, टू कैरी आउट देयर टास्क. ठीक है, बैकग्राउंड इसका जान लीजिए. फेडोर जो है वो फर्स्ट रोबोट नहीं है जो स्पेस में जा रहा हो. 2011 में नासा ने भेजा था रोबोनॉट 2, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जिसे डेवलप किया था जनरल मोटर्स ने, जिनका यही एम था कि हाई रिस्क एनवायरमेंट में कैसे काम किया जाए वो पढ़ने के लिए. 2013 में जापान ने भी एक छोटा रोबोट की रोबो भेजा था अलोंग विद द ISS फर्स्ट जापानीज स्पेस कमांडर. नाउ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, ये यूजफुल क्यों है एंड ओवरव्यू देखेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप का. तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ करना एज अ सॉर्ट ऑफ टाइम मशीन. तो रिसर्चर्स ने प्लान किया है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरीके से न्यू स्टार्स बॉर्न हुए एंड एक नेचुरल फिनोमिनन यूज़ करके, जिसे कहा गया ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, कैसे काम करती है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है वो आइंस्टाइन स्टोरी, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी, उस पर काम करती है. मतलब सिंपल कि मास बैंड्स लाइट. ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक्सटेंडेड है टू द फार इन टू स्पेस एंड उसे जो लाइट रेज है दे पास क्लोज टू दैट ऑब्जेक्ट, वो बैंड हो जाती है एंड रीफोकस समवेयर एल्स. तो ये ही आप देखते हैं कि जो मास होता है वो लाइट को भी क्या कर देता है, बैंड कर देता है. जितना मासिव ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, उतनी ही बैंडिंग होगी लाइट रेज की. ठीक है, तो इसीलिए जो डेंसर मटेरियल्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल लेंसेज बनाने के लिए, ताकि ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन हो. नाउ लेंसिंग यूजफुल क्यों है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए यूजफुल है क्योंकि ये डायरेक्टली सेंसिटिव है कि कितना अमाउंट एंड कितना डिस्ट्रीब्यूशन है डार्क मैटर का. इससे एस्ट्रोनॉमर्स को मदद मिलती है कि वो एग्जैक्टली काम कर सकते हैं कि कितना डार्क मैटर है इस यूनिवर्स में एज अ होल एंड हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. लर्निंग जो है वो इस चीज़ में भी हेल्प करेगी कि डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं. इसमें एक और आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको वेब और JWST भी कहा जाता है. ये एक लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो ऑप्टिमाइज़ की गई इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के लिए एंड ये कॉम्प्लीमेंट करती है, एक्सटेंड करती है डिस्कवरीज ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप को. लॉन्गर वेवलेंथ्स को कवर करते हैं ऑफ लाइट दैट हबल एंड विल हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड सेंसिटिविटी. लॉन्गर वेवलेंथ्स इनेबल करती है JWST दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टू लुक फर्दर बैक इन स्पेस टू सी द फर्स्ट गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड इन द अर्ली यूनिवर्स. ओके, तो ये आप एंड आज के टाइम पे क्या स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उन सबको पढ़ने में मदद करती है. तो ये आप देख सकते हैं ये जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी है एंड अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये आपका है, जस्ट अ मिनट,
जी ये देखिए, ये इसके अंदर है आपका सेकेंडरी मिरर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेकेंडरी मिरर है। एंड ये क्या करेगा, जो लाइट आएगी उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे है आपका प्राइमरी मिरर, ठीक है। ये 18 हेक्सागनल सेगमेंट्स होंगे जो कि मेटल बेरिलियम का बना हुआ है, एंड ये कोटेड है विद गोल्ड ताकि इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर किया जा सके। फिर आप इसमें देखेंगे, ये आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका साइंस इंस्ट्रूमेंट नोडल एंड हाउसिंग ऑल ऑफ वेब्स कैमराज एंड साइंस इंस्ट्रूमेंट्स। ये मल्टी लेयर्ड आपकी सनशील्ड है, दिस इज मल्टी लेयर सनशील्ड। 5 लेयर्स हैं जो कि ऑब्जर्वेटरी को हीट और लाइट से बचाएंगे सन एंड अर्थ की। देन ये आपका ट्रिम फ्लैप है, ये आप देख सकते हैं हल्का सा ट्रिम है जिससे स्टेबलाइज होगी सेटेलाइट। देन आपका सोलर पावर एनर्जी, यहाँ पे देखिए सोलर पावर एनर्जी को भी यूज़ किया गया है। 18 हेक्सागनल सेगमेंट्स जो कि मेटल बेरिलियम के मिले हैं एंड कोटेड है विद गोल्ड। स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है ये, ठीक है। तो थोड़ा साइंस एंड टेक की लैंग्वेज है, इसको आप भी थोड़ा डाउनलोड करके अच्छे से समझ लें। ये आप देख सकते हैं ये गैलेक्सी है, एंड ये आपका देखिए अर्थ है। ये आप देखिए, ये आपकी गैलेक्सी है, ये आपका अर्थ है, एंड ये आपकी लेंस्ड गैलेक्सी इमेजेस है, ओके। ये आपका डिस्टोर्टेड लाइट रेज है, ये गैलेक्सी क्लस्टर है। तो वाई इज वेब एंड इंफ्रा रेड टेलीस्कोप, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को इंफ्रा रेड वेवलेंस पे देखेंगे तो चीज़ें ऐसे दिखाई देंगी जैसे पहले कभी नहीं दिखाई दी हो किसी और टेलीस्कोप से। तो ये सिर्फ इंफ्रा रेड वेवलेंस में ही हो सकता है। दैट वी कैन सी द फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सीज फॉर्मिंग, कि किस तरीके से पहले स्टार्स एंड गैलेक्सीज बने बिग बैंग के बाद। एंड ये सिर्फ इंफ्रा रेड लाइट से ही हो सकता है कि हम स्टार्स एंड प्लानिटरी सिस्टम्स को देखें कि किस तरीके से वो फॉर्म हुए इनसाइड्स क्लाउड क्लाउड्स ऑफ डस्ट दैट आर ओपेक टू विजिबल लाइट। जेम्स वेब कौन थे, जो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम जेम्स ई वेब, जो उनका बर्थ 1906 में हुआ एंड उनकी डेथ हुई थी 1992 में, ये नासा के सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटर थे। वेब इज इनको खासकर अपोलो मिशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपोलो मिशन आपको याद होगा जिसमें जो 3 पर्सन थे वो चांद पे उतरे थे एंड फर्स्ट ह्यूमंस ऑन द मून। सो उन्होंने वाइग्रस स्पेस साइंस प्रोग्राम किए जो कि रिस्पॉन्सिबल है, एंड इन्होंने अपने टेन्योर में 75 लॉन्चेस किए थे जिसमें इंडिया अमेरिका का पहला इंटर प्लानिटरी एक्सप्लोरर भी शामिल है। तो लर्निंग मोर बाई टेकिंग टेस्ट, येस दिस इज इम्पॉर्टेंट, टेस्ट करने ज़रूरी है। नाउ वी विल रीड सम अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहले देखेंगे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। अभी तो देखिए कोरोना वायरस चल रहा है एंड एक और हेंटा वायरस भी है चाइना के अंदर। तो इन चीज़ों से आप, ये एक छोटा सा पपी है विद डिस्टेम्पर, इसकी नोट आइज एंड नोज हो गया है। तो एंड जैसा कि कहा गया है कि अपने आप को क्वारंटाइन रख के करके रखिए, घर में ही रहिए। सो घर में रहेंगे तो सेव रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे देखिए लाइफ जो है वो एक फिश की तरह हो गई है, कि हाथ लगाओगे तो डर जाएंगे, बाहर निकालोगे तो मर जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ टाइम की बात है एंड मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये मत सोचिएगा, क्योंकि मैं तो, मेरा तो ये मानना है कि अगर इस टाइम पे छुट्टियां हैं, आप घर के अंदर हैं, अगर कोई कोचिंग भी ज्वाइन की हुई है तो आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो इस टाइम पे ही लीड करना है, ठीक है, तो रुकना नहीं है। तो पढ़ते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में। तो ये कॉन्टेजियस है, वायरल इलनेस है जो कि मोर बिलीव वायरस से होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्टेड होता है, एयर के थ्रू एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड मटीरियल से ये फैल सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो जाएगा, रेड एंड आइज हो जाएंगी, वाटरी डिस्चार्ज होगा नोज से, आइज, लिथर्जी, एनोरेक्सिया, परसिस्टेंट कफिंग, वॉमिटिंग, डायरिया होगा, लेटर स्टेज पे सीजर्स हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, हिस्टेरिया हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या है, डिस्टेम्पर का वैक्सीन लेना होगा। कॉन्टेक्स्ट, रिसेंट स्टडी की गई कि जो थ्रेटर्ड टेक्सा है, 86% जो टेस्टेड डॉग्स थे रणथम्बोर नेशनल पार्क, रणथम्बोर इज इन राजस्थान, वहाँ पे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस पाया गया। इसका मतलब जो डॉग्स हैं वो करंटली इन्फेक्टेड हैं और हैव बीन इन्फेक्टेड समवेयर इन सम टाइम इन देयर लाइफ, और अब वो इस डिसीज से ओवरकम करेंगे। इस फाइंडिंग ने पॉइंट आउट किया कि इंक्रीज्ड रिस्क है कि ये जो डिसीज है ये डॉग से टाइगर्स में चली जाएगी एंड लेपर्ड्स में भी दैट लिव इन द पार्क।
बैकग्राउंड क्या है, लास्ट ईयर गिर फॉरेस्ट जो आपका गुजरात में है, वहाँ पे 20 लायंस में वायरल इन्फेक्शन पाया गया था, और एक गाइडलाइन भी प्रिपेयर की थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कि वो ये जो डिसीज़ है वाइल्ड एनिमल्स में इसको फैलाने से रोकेंगे। करने की क्या ज़रूरत है, अगेन देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन करना होगा। एंड गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए कि वो डॉग्स को वैक्सीनेट करें एंड जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस एक वायरल डिसीज़ है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। वो डॉग्स जो कि वैक्सीनेटेड नहीं होंगे कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए वो ज़्यादा रिस्क में होंगे, एंड ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है। एंड एक बात और कि ये ज़्यादा देर सरफेस पे लीव नहीं कर सकता, तो वायरस को अगर इनहेल कर लेंगे, जैसे हम देखिए मास्क लगा रहे हैं कि ताकि हमारे अंदर वायरस ना जाए, तो इनहेलिंग करना वायरस ये प्राइमरी मेथड होता है एक्सपोजर का। एंड जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है उसका भी कोई नॉन क्योर नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट जीनोम इंडिया इनिशिएटिव। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो 20,000 इंडियन जीनोम्स को स्कैन करने जा रहा है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये 2 फेज एक्सरसाइज होगी, डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप किए जाएंगे एंड वो टेस्ट यूज़ किए जाएंगे कैंसर को टेस्ट करने के लिए भी। नाउ जीनोम सिक्वेंसेस के यूजेस क्या है, जो जीनोम है वो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है जिसके अंदर सभी जीन्स आते हैं। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है ऑफ साइंस जो कि फोकस करता है स्ट्रक्चर पे, फंक्शंस पे, इवोल्यूशन पे, मैपिंग पे, एडिटिंग ऑफ जीनोम्स पे। जीनोमिक्स के अंदर सिक्वेंसिंग एंड एनालिसिस होती है जीनोम्स की थ्रू द यूजेस ऑफ हाई थ्रू आउट डीएनए सिक्वेंसिंग। जीनोमिक्स के अंदर जो एडवांसेस होते हैं उससे एक रिवॉल्यूशन आएगा, डिस्कवरी बेस्ड रिसर्च होगी एंड सिस्टम्स बायोलॉजी के अंदर भी, जिससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन ब्रेन के कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को भी समझने में फ़ायदा होगा। तो जो फर्स्ट फेज होगा उसके अंदर सिक्वेंसिंग की जाएगी कंप्लीट जीनोम्स की, 10,000 इंडियंस लिए जाएंगे कंट्री के अलग अलग कॉर्नर से एंड उनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैप्चर की जाएगी। अगले फेज में जो 10,000 डिसीज इंडिविजुअल्स होंगे इनका जीनोम सिक्वेंस किया जाएगा एंड फिर जो डाटा होगा उसे कंपेयर किया जाएगा मशीन लर्निंग टेक्निक से कि जो जीन्स है दैट कैन प्रिडिक्ट कैंसर रिस्क एज वेल एज अदर डिसीज। नाउ सिग्निफिसेंस क्या है, जो डाटा जनरेट होगा वो एसेसिबल होगा रिसर्चर्स को एनालिसिस करने के लिए। ये एक प्रपोज्ड नेशनल बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के थ्रू प्रैक्टिस किया जाएगा एक पॉलिसी में, उस पॉलिसी का नाम होगा बायोलॉजिकल डाटा स्टोरेज एसेस एंड शेयरिंग पॉलिसी। क्योंकि जो जेनेटिक्स लैंडस्केप है दे डिफर अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक डाटा को शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा नॉलेज ड्राइव की जा सके फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड सर्व किया जा सके पर्पस ऑफ इनेबलिंग बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स। जीनोम इंडिया इनिशिएटिव जो है इट विल ऑल्सो पेव द वे फॉर आइडेंटिफाइंग जीन्स एंड जेनेटिक वेरिएशंस फॉर कॉमन डिसीजेज। इससे ट्रीट कर पाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी प्रिसीजन मेडिसिन लैंडस्केप की इन इंडिया, एंड जो कंट्री के अंदर जो हेल्थ केयर है वो भी इम्प्रूव होगा। जीनोम सिक्वेंसिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम है वो सबसे पहले सिक्वेंस हुआ था 2003 में, तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आया सामने कि डिसीज एंड जो यूनिक जेनेटिक मेकअप है देर इज़ अ सम लिंक बिटवीन दैम। तो नियरली 10,000 डिसीजेज जैसे कि क्रिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, जो कि रिजल्ट होती है सिंगल जीन माल फंक्शनिंग के, तो जो वाइल्ड जीन्स मे रेंडर सम इनसेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग्स, जो जीनोम सिक्वेंसिंग है उसने भी शो किया कि कैंसर को भी जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है, सिर्फ डिजीज ऑफ सर्टेन ऑर्गन से नहीं। नाउ रोटा वायरस देखिए हमने कई बार कर लिया है। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया, 100 डेज का एजेंडा रखा न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कि हर बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन प्रोवाइड करना है सभी स्टेट्स एंड सभी यूनियन टेरिटरीज में सितंबर 2019 तक। ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया जाएगा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, कौन कौन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रोटा वायरस एक लीडिंग कॉज है डायरिया का एंड डेथ का अमंग चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज। इससे जो 10% टोटल चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो भी होती है।
जो किड्स होते हैं जिनको रोटावायरस इन्फेक्शन होता है उन्हें फीवर हो जाता है, नोज़िया, वॉमिटिंग हो जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, वॉइटरी डायरिया होता है, किड्स जो है उनको छींके एंड रनी नोज़ हो जाती है, डायरिया जो होता है एंड उससे डिहाइड्रेशन भी होगी, एंड विद ऑल अदर वायरसेस जो रोटावायरस इन्फेक्शंस है कभी कभी वो कोई सिम्टम्स भी नहीं शो करता, खास करके अडल्ट्स में। ट्रांसमिशन ये फेशियल ओरल रूट के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, कंटामिनेटेड हैंड्स होंगे तो उसके थ्रू पास आउट पॉस ऑन होता चला जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेजियस भी है। रोटावायरस डायरिया उसी तरीके से प्रेजेंट है जैसे कि कोई दूसरा डायरिया, लेकिन इसको रोटावायरस वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट फोर्टिफाइड राइस, तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगेन मेन पॉइंट्स हम कर लेते हैं। उड़ीसा मॉडल टू बूस्ट मिड डे डील्स, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीति आयोग ने एक रोड मैप क्रिएट करने के लिए कहा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें राइस फोर्टिफिकेशन प्लान पायलट स्कीम भी ली गई। राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड किए जाए जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ फूड, ताकि जो फूड सप्लाई की न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। राइस फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे राइस के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है एंड राइस के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। राइस फोर्टिफिकेशन, राइस क्योंकि एक स्टेपल फूड है तो 2 बिलियन पीपल हर दिन राइस खाते हैं, तो एक मेन स्टे है डाइट का एशिया और अफ्रीका में भी। जो रेगुलर मिल्ड राइस होता है उसके अंदर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो राइस का अगर फोर्टिफिकेशन होगा तो उससे न्यूट्रिशन क्या होगा, इम्प्रूव होगा। फोर्टिफाइड राइस के अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन B1, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन एंड जिंक, ठीक है। तो सभी आपको विटामिन मिल जाते हैं, ए मिल जाता है, बी मिल जाता है, एसिड फॉलिक एसिड मिल जाता है, आयरन एंड जिंक भी मिल जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया, FSSAI दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन फॉर्मुलेट कर रही है कि किस तरीके से फूड्स का फोर्टिफिकेशन हो। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन 2016 भी फॉर्मुलेट किया गया था। ये रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट करता है फूड फोर्टिफिकेशन के लिए एंड स्पेसिफिक रोल भी बताता है FSSAI का कि किस तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट किया जाए एंड फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी भी बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद सारे आपको गुड पॉइंट्स लिखने हैं, ये गुड पॉइंट्स आपको यही लिखने हैं। देखिए मेन मेन मैं बता ही देती हूँ कि रेगुलर एंड फ्रिक्वेंट बेसिस पर खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जो रिस्क होगा मल्टीपल डेफिशिएंसीज का वो कम होगा, जो कंटेंट है विटामिन्स के वो बढ़ेंगे ब्रेस्ट मिल्क में भी, ठीक है। एंड फोर्टिफिकेशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली कंज्यूम्ड फूड है, इससे न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव होगा एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नाउ स्टडी टू चेक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन गंगा, तो गवर्नमेंट ने 9.3 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए हैं टू ताकि माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को समझा जाए गंगा की ओवरऑल, एंड टेस्ट किया जाए कि जो 250 किलोमीटर जो लंबी नदी है इट कंटेन माइक्रोब्स दैट मे प्रोमोट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए बोथ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिनके ऊपर आपको ब्लैक कलर के सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये ड्रग रेजिस्टेंट है एंड ये वाले जो बैक्टीरिया है ये नॉन रेजिस्टेंट है। तो जो एंटीबायोटिक्स होंगी, अब ये तो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट मतलब किसी चीज़ को रोकना, तो ये तो मतलब जो एंटीबायोटिक्स होंगी तो ये तो मतलब जो आपके नॉन रेजिस्टेंट है ये तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इनको तो मार देगी हमारी बॉडी के अंदर ही, तो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट होगा कि सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ही रह जाएंगे एंड रेप्लिकेशन एंड जीन ट्रांसफर के थ्रू यही डोमिनेंट होंगे और एक नया इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ओके। तो ये है पॉइंट, इस रिसर्च का एम यही है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि किस टाइप का कंटामिनेशन है रिवर में, किस टाइप का खतरा है ह्यूमन हेल्थ को, एंड आइडेंटिफाई किया जाए कि जो एस्चेरिसिया कॉली है एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस पर पाया जाता है, उसके सोर्सेज क्या हैं। इन स्टडीज़ को क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2017 की एक रिपोर्ट आई थी बाई द यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड यूके रिसर्च काउंसिल, जहाँ पे कहा गया कि इंडिया के पास हाइएस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रेट्स है
अमंग बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। दूसरी स्टडी ने ये भी बताया कि जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है इट लीड्स टू सुपर वर्क्स और इससे 60 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज मंथ्स ऑफ मई एंड जून। ये है क्या? तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, जैसे बैक्टीरिया की, वायरस की, पैरासाइट्स की, कि वो एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। ओके, तो ये इतना बिग डील क्यों है? क्योंकि डिस्कवरी एंटीबायोटिक्स की 100 साल पहले ही हो गई थी एंड ये एक टर्निंग पॉइंट जो था इन पब्लिक हेल्थ, इससे काफ़ी लोगों की लाइफ्स भी बची, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से और ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 मिलियन पीपल हर साल यूएस के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को डेवलप कर रहे हैं एंड इनमें से 23,000 लोग हर साल मर भी रहे हैं। तो अगर नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ही एग्जिस्ट करेगा तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन क्रिएट होगा। मेडिकल कम्युनिटी क्यों वरीड है? क्योंकि सुपर बग ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे। मेडिकल एक्सपर्ट्स को डर है कि ये अनट्रीटेबल अफेक्शन है, ओके, इन्फेक्शन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अफ्रेड है पोस्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड से, जहाँ पे लोड्स ऑफ बैक्टीरिया सुपरबग्स होंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, ट्यूबरक्लोसिस, गोनोरिया, न्यूमोनिया, जो कि हार्डर है बहुत ज़्यादा टू ट्रीट विथ टिपिकल एंटीबायोटिक्स। नीड ऑफ द आर एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री, फिलेंथ्रोपिक ग्रुप्स हों, सिटीजन एक्टिविस्ट हों। प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना होगा, फिलेंथ्रोपिक चैरिटीज़ को फंड करना होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। स्टेक होल्डर्स को अप्रिशिएट करना होगा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस को पोस्टपोन किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड सम कंजर्वेशन रिलेटेड इशूज़, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोबल कोएलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स। तो नाइजीरिया 4th अफ्रीकन नेशन बन गया है जो कि पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए उन्होंने एक ग्लोबल कोएलिशन को ज्वाइन किया है। मोरक्को इसका पार्ट मेवे बना था। एथियोपिया पहला अफ्रीकन नेशन है जिसने 2017 में इसे ज्वाइन किया था। बुरुंडी 2nd अफ्रीकन है जिसने इसे ज्वाइन किया है। ग्लोबल कोएलिशन क्या है? ये 3 साल पहले बना है, जहाँ पर जो फाइंडिंग्स थी IPBS असेसमेंट ऑन पॉलिनेटर्स की, पॉलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन की, कि वर्ल्ड के जो पॉलिनेटर स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही है। जो इनिशिएटिव था कोएलिशन बनाने का वो नीदरलैंड्स ने स्टार्ट किया था 12 दिसंबर 2016 को एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि मैक्सिको के अंदर हुई थी। इसके अंदर 28 सिग्नेटरीज हैं, जिसमें से 17 यूरोपियन हैं, 5 लैटिन अमेरिका से हैं, 1 कैरेबियन है एंड 4 अफ्रीका से हैं। अराउंड 16.5% वर्टिब्रेट पॉलिनेटर्स थ्रेटेड है ग्लोबल एक्सटिंक्शन से, ये IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट्स ने कहा। 75% फूड क्रॉप्स, 90% वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स एनिमल पॉलिनेशन पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, क्योंकि पॉलिनेशन डिपेंडेंट स्पीशीज़ ही सोर्सेज हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का एंड मिनरल्स का। ये आपको गुड पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिनेशन की? प्लांट्स पॉलिनेशन पर ही डिपेंड है। 90% जो वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट हैं वो एनिमल पॉलिनेशन पे डिपेंड है। 75% लीडिंग ग्लोबल क्रॉप फ़ायदा उठा रही है एनिमल पॉलिनेशन से एंड 5 से 8% तक जो करंट ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली एस्क्राइब्ड है टू एनिमल पॉलिनेशन, जिससे 235 या 577 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के अराउंड इक्वेट कर जाता है। नाउ हिमालयन स्टेट्स ने डिमांड किया ग्रीन बोनस सेपरेट इंडस्ट्री। तो हिमालयन स्टेट्स एक कॉन्क्लेव में मिली और कहा कि हमें एक सेपरेट मिनिस्ट्री चाहिए जो वहाँ की प्रॉब्लम्स के साथ डील करे एंड उन प्रॉब्लम्स को समझ सके। एक ग्रीन बोनस मांगा ताकि कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया है एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। जो 11 स्टेट्स में से 10 ने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड पहली बार हुआ कि हिमालयन स्टेट्स ऐसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आई एंड उन्होंने एक अनएनिमस स्टैंड लिया कि उन्हें ग्रीन बोनस दिया जाए एंड एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी दी जाए ताकि वो प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके। आउटकम क्या रहा? एक मसूरी का रिवॉल्यूशन पास किया गया
एंड कहा गया कि कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ का रिच कल्चरल हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी, ग्लेशियर्स, रिवर्स, एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्री की रिवर है वो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है, एंड हिमालय की स्टेट्स जो है वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में बहुत बड़ा रोल निभा रही है, एंड क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्वेचेज ऑफ लैंड है जो कि फैल करता है इको सेंसिटिव जोन्स में, तो हिमालयन स्टेट्स को ये भी नुकसान होता है, एंड ये जो स्टेट्स हैं फॉरेस्ट एंड इको सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ लाइफ सेविंग सर्विसेज भी कंट्री को देती है। नाउ इंडियन हिमालयन रीजन, इंडियन हिमालयन रीजन जो है वो हिमालय वो पार्ट जो इंडिया में आता है, इसके अंदर 11 स्टेट्स हैं, तो आपका वहाँ से तो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, देन आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक है। एंड जो टू डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बंगाल की हैं जो कि 2500 किलोमीटर जो हिमालय रेंजेस हैं इंडस रिवर से नॉर्थ वेस्ट तक जाती है, एंड ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट। 9000 इसमें ग्लेशियर्स हैं जिसमें 12,000 किलोमीटर क्यूब फ्रेश वाटर है। रिच वेजिटेशन, 36% इंडिया की टोटल बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर। मोर देन 41.5% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर है, एंड जो रिप्रेजेंट भी करता है 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर को, एंड नियरली हाफ मीन्स 47% वेरी गुड के अंदर भी आता है। टोटल जोग्राफिकल एरिया इनका है 5,91,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया का 18%, एंड यहाँ पर 3.8% कंट्री की पॉपुलेशन रहती है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये 6 नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, एंड ये इंडिया का मेजर कार्बन सिंक भी है। नाउ पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट इज PES, जो डिमांड है ग्रीन बोनस की, ये एक इमर्जिंग ग्लोबल मोड है कि इकोसिस्टम को बचाना होगा, एंड इसमें कॉल किया फॉर पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, एंड ये जो डिमांड है ये ट्रिगर करेगा इंटरेस्ट ऑन PES इन इंडिया विच हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग दिस थ्रू द दो इन स्पोरेडिक वेज। कैसे एलोकेट किया जाता है, जो डिमांड है कंट्रीज़ के लॉन्गेस्ट ओवर बेड की, उसके अंदर फॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इंसेंटिव फंड का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो 12th फाइनेंस कमीशन थी 2005 से 2010 तक, उन्होंने फर्स्ट टाइम, देखिए इसको आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, 5 एंड 10 है ना, तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा था कि करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत है एंड स्टेट्स को देने की ज़रूरत है कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करो। फिर जो 13th फाइनेंस कमीशन थी उसने कहा कि 5,000 करोड़ देने की ज़रूरत है। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रिवेन्यू शेयरिंग फार्मूला अपनाया जाए यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, एंड कहा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होना चाहिए स्टेट के शेयर के लिए, एंड जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो नेचुरल बेनिफिशियरीज हैं तो उन्हें हाई फाई फॉरेस्ट कवर भी मिला। कमीशन ने 7.5% वेट भी इनको अटैच किया टू द फॉरेस्ट कवर। प्रेजेंट जो इकोलॉजिकल सर्विसेज पेमेंट सर्विसेज हैं वो कवर करती हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, स्टोरेज, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, नॉन डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। बट जो एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स हैं उनको अलग रखा गया है फॉर्मल कार्बन मार्केट से। नीड ऑफ द आर क्या है, फार्मर्स को रिवॉर्ड करना होगा उनकी इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, एंड वो एग्रीकल्चर जब लो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रहता है तो उनको इनकरेज करना चाहिए फॉर पेमेंट ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज। उससे टू पर्पसेस मीट होते हैं, एक तो पॉवर्टी कम होती है और एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी बनता है। नाउ पश्मीना प्रोडक्ट्स को BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, तो BIS ने जो पश्मीना प्रोडक्ट्स हैं उनको प्योरिटी के लिए इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया, एंड इससे जो अडल्ट्रेशन है वो रुक पाएगी, लोकल आर्टिशंस का, नोमैड्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाएगा, प्योरिटी बन पाएगी, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को डिस्करेज होगा, यंगर जनरेशन को भी मोटिवेशन मिलेगी। ये लोग चंग ठंग एंड पश्मीना एरिया में रहते हैं, पश्मीना इनकी पश्मीना के ऊपर ये डिपेंड है एंड फॉर देयर लाइवलीहुड्स। एट प्रेजेंट 2400 फैमिलीज़ हैं जो कि रियर करती है 2.5 लाख गोट्स। यहाँ पे BIS जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करती है। इसे इस्टेब्लिश किया था BIS एक्ट 1986 ने, जो मिनिस्टर
डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंदर चार्ज में है या डिपार्टमेंट में, वही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं इसका, एंड वही इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भी है। एज अ कॉरपोरेट बॉडी इसके अंदर 25 मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। ये WTO TBT इंक्वायरी की तरह भी काम करती है। नोमैडिक पश्मीना हर्डर्स जो थे, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, चांगठंग के अंदर रहते थे। एंड चंगठंगी या पश्मीना गोट क्या है? तो ये एक स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट है जो कि लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिलती है, एंड ये अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल होती है जिसे पश्मीना कहा जाता है, एंड डोमेस्टिकेटेड है। इसे रियर करती है चंगपा नोमैडिक कम्युनिटीज़ चांगठंग रीजन में, एंड जो चंगठंगी गोट्स होती है दे रिवाइटलाइज द इकोनॉमी ऑफ चांगठंग ले एंड लद्दाख रिलीजन। नाउ ESMF दैट इज एनवायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट का पार्ट है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोस्ट के पास हैं उन्हें असेस किया जाए क्लियरेंस देने से पहले। तो गाइडलाइन सेट की जाती है कोस्टल स्टेट्स के लिए जो उन्हें अप्लाई करनी होती है, एंड एनवायरमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि किस तरीके से कल्चरल प्रॉपर्टीज़ या फिर नेचुरल हैबिटेट्स पे असर ना पड़े। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद भी करती है ताकि कोस्टल रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़े, रेजिलियंस बढ़े, कलेक्टिव कैपेसिटी को बिल्ड किया जाता है ताकि इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अभी तक 3 कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, गाँव से याद रखें GOW, जिन्होंने इंटरग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स बनाए हैं वर्ल्ड बैंक की मदद से। की एक्टिविटीज़ क्या होती है इन एरियाज़ में? मैंग्रोव को एफोरेस्ट करना होगा, हैबिटेट को कंजर्व करना होगा, सेकंड जो ग्रूव्स होते हैं उनको रिस्टोर करना होगा, हैचरीज डेवलप करनी होंगी, टर्टल्स के लिए, मराइन एनिमल्स के लिए सेंटर्स बचाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा टूरिज्म के लिए, वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर एंड रिचार्ज करना होगा, बीच की क्लीनिंग एंड डेवलपमेंट करना होगा, दूसरे भी स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लेने होंगे। लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंक्लूडेड है? गुड पॉइंट्स आपको लिखने हैं। साइट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने जो प्रपोजल्स हैं साइट्स के, वो चेंजेस के लिए इन द वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन साइट्स एंड लेटर दिस मंथ इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये यहाँ पे बोला है कि चेंजेस लाए जाएं, एक तो स्मूथ कोटेड ऑटर के अंदर, स्मॉल क्लाउड ऑटर के अंदर, इंडियन स्टार टॉर्टोइज, टोके, गेको, वेज फिश एंड इंडियन रोज फूड। ठीक है, तो ये 5 एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि हाई रिस्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में है, इनको प्रोटेक्शन चाहिए। 18th जो COP हुई जिनेवा के अंदर, एंड वहीं पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज जिनेवा में एक रिजोल्यूशन पास किया गया जहाँ पे जापान एंड यूरोपियन यूनियन को कहा कि वो अपनी जो लीगल डोमेस्टिक आइवरी मार्केट्स हैं वो क्लोज कर दें। ठीक है, ये 21 अगस्त 2019 की बात है। बैकग्राउंड क्या है? EU के जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं क्रिमिनल्स को कि वो आइवरी को पास कर देते हैं पोस्ट एलिफेंट से एज एंटिक्यूज एंड एक्सपोर्ट करते हैं अदर मार्केट्स को। जो लीगल आइवरी मार्केट्स हैं और जो लैक ऑफ एक्शन है इन लार्ज इलीगल मार्केट्स के अगेंस्ट, यही क्रिमिनल्स को बढ़ावा देता है। साइट्स क्या है? दैट इज कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो ये रेगुलेट करती है कॉमर्शियल ट्रेड को, रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 3 मार्च 1973 को साइन की गई थी। इसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी 3 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसको एडमिनिस्टर करता है UNEP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका सेक्रेटेरिएट जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अंदर आपके 3 अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स वन, सेकेंड एंड थ्री। वन जो कि डेंजर में है एक्सटिंक्शन के, एंड दीज आर नॉट थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, एंड यहाँ पे कम से कम एक कंट्री होनी चाहिए जो कि साइट्स मेंबर स्टेट्स हो एंड वो कंट्रोल करने में भी सफल हुई हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके के अपेंडिक्स हैं। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, तो हम ये कर चुके हैं, इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी HRD डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। ओके, तो एक स्टूडेंट एक दिन में 1 लीटर पानी बचाएगा तो साल में
365 लीटर, 10 साल में 3650 लीटर। नाउ सिटी ऑन एक्सट्रीम्स ऑन ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो बेनिफिशियरी कंडीशंस को देखते हुए इन इंडियन ओशियंस काफ़ी हैवी रेनफॉल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कर्नाटका, कोंकण स्टेट एंड हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में रिकॉर्ड की गई। नॉर्मली जो इंडियन समर मानसून है इज़ बाउंटीफुल ओवरऑल, लेकिन लास्ट ईयर केरला के अंदर फ्लड आई। चाइना जो कैटास्ट्रॉफ है 2015, उससे शो हो गया कि बहुत कॉस्ट लगती है इन लाइफ्स के लिए, प्रॉपर्टी लॉस्ट के लिए। माधव गाडगिल रिपोर्ट 2011 की है, इसने बताया था, वेस्टर्न घाट्स पे रिपोर्ट दी थी कि इकोलॉजी एंड जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरी है। तो इन्होंने बाउंड्रीज देखी थी वेस्टर्न घाट्स की, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ बताए एंड छोटे छोटे रीजन्स को भी आइडेंटिफाई किया कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री। एरिया को 2200 ग्रिड के अराउंड डिवाइड कर दिया, जिसमें से 75% EC Z1 और 2 में आता है एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोटेक्टेड एरियाज में है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेचुरल पार्क्स। एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी बनाने की भी बात कही गई। नाउ क्या ज़रूरत है सबसिक्वेंट कस्तूरी रंगन कमिटी की? तो नन ऑफ द 6 स्टेट्स में से जो कि गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन से एग्री नहीं हो पाए एंड उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2011 में दी। अगस्त 2012 में एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक हाई लेवल वर्किंग कमेटी बनाई वेस्टर्न घाट्स के लिए अंडर कस्तूरी रंगन कि एग्जामिन कीजिए गाडगिल कमेटी रिपोर्ट को। एंड उन्होंने कहा कि 1750 रिस्पॉन्सेज को एग्जामिन करने के बाद 81% जो है वो इसके फेवर में नहीं है। केरला ने ऑब्जेक्ट किया इस बैन को कि जो बैन नहीं लगाना जाना चाहिए, सैंड माइनिंग पर, क्वेरिंग पर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जानी चाहिए। तो कस्तूरी रंजन कमेटी ने कहा कि बैन तो करना होगा माइनिंग को, क्वेरिंग को, सैंड माइनिंग को। कोई भी नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकते हैं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। न्यू पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बैन करना होगा। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स 20,000 स्क्वायर मीटर तक अलाउड करने होंगे लेकिन टाउनशिप्स बैन होगी। फॉरेस्ट डाइवर्जन भी अलाउड करना होगा। तो रिसेंटली वहाँ पे फ्लड्स आए थे एंड इंडिया का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को सीख देकर गए कि किस तरीके से इंडिया जहाँ पे 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा कोस्ट लाइन है एंड कितना डिज़ास्टर हो सकता है। अगर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उससे अच्छा स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो पास से सीखने की ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है करेक्टिव एक्शन की। माधव गाडगिल रिपोर्ट भी एंड जो सेंडाई की फ्रेमवर्क है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 2030, ये भी कंसीडर करने की ज़रूरत है वाइल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। नाउ बिकॉज वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग वल्नरेबिलिटी टू डिज़ास्टर, तो प्रिपेयरनेस को बढ़ाना होगा फॉर रिस्पॉन्स। नीड ऑफ द आर यही है दैट गवर्नमेंट के जो मेजर्स हों वो पीसमिल हों एंड शॉर्ट टर्म भी हो, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म है तो मीन्स ये प्रॉब्लम्स को मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म ही देखते हैं तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कहाँ है। एक बेसिन वाइड अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम का। गवर्नमेंट को फ्लड प्लेन जोनिंग भी करनी चाहिए जो कि US के अंदर भी होती है। नाउ स्टबल बर्निंग हमने काफ़ी बार कर लिया है, ये हम आज नहीं करेंगे। नाउ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी बाय वर्ल्ड वाइड फंड, तो वर्ल्ड वाइड फंड ने रिलीज की ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब तक जो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी थी वो असेस नहीं की गई थी, बल्कि फॉरेस्ट एरिया को ही प्रॉक्सी इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता था। जो न्यू फाइंडिंग्स हैं वो फॉरेस्ट के स्पेशलिटी इंडेक्स पे बेस्ड है जो कि डेवलप्ड हुई फॉलोइंग द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स मेथोडोलॉजी। एक ऐसा इंडेक्स जो वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करता है जो सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहते हैं। 1970 से जो फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ है वो 53% घटी है। 455 मॉनिटर्ड पॉपुलेशन में से हाफ से भी ज़्यादा का जो मतलब वो डिक्लाइन हुई है, किस रेट पे? 1.7% के रेट पे। जो डिक्लाइन है वो इन साल कॉन्सिस्टेंट रही मैमल्स में भी, रेप्टाइल्स में भी, एम्फीबियंस में भी, लेकिन बर्ड्स में थोड़ी कम पाई गई। रीज़न सारे बुरे रीज़न लिख रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करना, हैबिटेट लॉस करना, डिग्रेडेशन, एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज करना। खतरा क्या होगा? हैबिटेट लॉस 60% तक हो सकता है, 20%
ओवर एक्सप्लॉयटेशन से 112 फॉरेस्ट ड्वेलिंग प्राइम पॉपुलेशन है, जिसमें से 40 जो है वो थ्रेटन्ड है बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से 43% एम्फीबियन पॉपुलेशन को खतरा है, 37% रेप्टाइल को, 21% बर्ड्स को एंड 3% मैमल्स को। 60% से भी ज़्यादा जो थ्रेटन्ड फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट पॉपुलेशंस हैं वो एक थ्रेट से भी ज़्यादा थ्रेट को फेस कर रही है। ठीक है, नाउ सिंगल यूज़ प्लास्टिक से भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी हम नहीं करेंगे अब। ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, तो लेट मी टेल यू, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नाउ स्ट्रैटेजी ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी, तो नीति आयोग ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके स्ट्रैटेजी बनाई है रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए। ये पहली पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगी जो कि कंट्री के रिसोर्स प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर रही है, एंड ये सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर भी एम्फेसाइज कर रही है। ये डेवलप हुई है विद द रिकमेंडेशंस फ्रॉम द इंडियन रिसोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था, एंड इंडियन रिसोर्स पैनल ने अप्रैल 2017 में। इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट एमिटर है वर्ल्ड के अंदर, ये रिपोर्ट दी एनजीओ ग्रीन पीस ने 19 अगस्त 2019 को। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये किससे प्रोड्यूस होता है, कोल को बर्न करने से, एंड इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। वर्ल्ड में जो SO2 के हॉटस्पॉट्स हैं वो मैप किए गए OMI सेटेलाइट ने, ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सेटेलाइट ने इनको डिटेक्ट किया इन हॉटस्पॉट्स को। एंड इंडिया में 15% एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट्स पाए गए। मेन जो है वो कहाँ पाए गए, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तलचेर एंड झारसुगुड़ा उड़ीसा के अंदर, नेवेली एंड चेन्नई तमिलनाडु में, कच्छ गुजरात में, रामगुंडम इन तेलंगाना, चंद्रपुर एंड कोराडी इन महाराष्ट्र। जो नॉरिल्स स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स है रशिया का, वो लार्जेस्ट SO2 एमिशन हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, एंड इसको फॉलो कर रहे हैं क्राइल एंड मोपोलामलंगा इन साउथ अफ्रीका एंड जगरोज इन ईरान। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी रीज़न तो देखिए यही है, क्योंकि हम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो स्ट्रिक्टर एक्शन लेने होंगे कोल पावर प्लांट्स के खिलाफ। ओके, नाउ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन वाटर पॉल्यूशन, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, W से वर्ल्ड बैंक, W से वाटर, एंड ये हाईएस्ट डिबेट है कि ग्लोबल वाटर क्वांटिटी पे। तो इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए, क्लीन वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से ग्रोथ होगी। पॉल्यूटेड वाटर होगा तो उससे जो ग्रोथ होगी वो 1/3 तक रुक जाएगी। एंड जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के लिए एंड ओवरऑल वाटर पॉल्यूशन के लिए, मीन्स ये 8 मिलीग्राम्स पर लीटर को भी क्रॉस कर गया है। एंड मतलब पाया गया है कि जो मीन ग्रोथ है वो 2.33% है। पुअर क्वालिटी वाटर के अंदर जो की कंट्रीब्यूटर है वो नाइट्रोजन भी करता है, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वो रिवर एंड ओशियन में लीचिंग हो जाती है उससे, तो उससे हाइपोक्सिया एंड डेड जोन्स बनते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। चिल्ड्रन अगर जल्दी नाइट्रेट से एक्सपोज हो जाएंगे तो उनसे उनकी ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। क्या करने की ज़रूरत है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हार्म को देखना होगा, फिर गुड पॉइंट्स लिखने हैं। फ्लाई ऐश हमने काफ़ी बार कर लिया है, आप सभी वीडियो ज़रूर देखें। नाउ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है, एंड ये इसीलिए है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके पानी के लिए। की परफॉर्मेंस देख लीजिए, गुजरात जो है वो नंबर 1 रहा रेफरेंस ईयर 2017-18 में। इसके बाद रहा आंध्र प्रदेश, गम गम से ध्यान रखिए, GAM, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, फिर यह गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 रहा, इसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा, आसाम, यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी। ठीक है, इंक्रीमेंटल चेंज में देखा जाए इन इंडेक्स, तो हरियाणा की सबसे पहली पोजीशन रही है, और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय में देखा जाए तो उत्तराखंड। 80% जो स्टेट्स हैं वो लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर असेस्ड की गई। की फाइंडिंग्स ये हैं कि 25 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में जिन्हें असेस किया गया, 80% ने अपने वाटर मैनेजमेंट स्कोर को इम्प्रूव किया है, एंड जो एवरेज स्कोर रहा वो रहा 5.2 पॉइंट्स। लेकिन अभी भी 16 स्टेट्स 50 पॉइंट से भी कम अर्न कर रही है, तो वो लो परफॉर्मिंग कैटेगरी के अंदर है, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, नागालैंड एंड मेघालय।
एंड ये जो रिपोर्ट है ये भी मतलब इसके अंदर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पे 48% पॉपुलेशन है, 40% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, 35% इकोनॉमिक आउटपुट है। इस रिपोर्ट ने ये भी मतलब चिताया है एंड सतर्क किया है कि जो अर्बन हब्स हैं वहाँ पे वाटर शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा होगी। ओके नाउ अर्थ बर्निंग लंग्स ऑन एमेजोन रेन फॉरेस्ट फायर, तो ये आपने देखा होगा जो एमेजन के रेन फॉरेस्ट है लार्जेस्ट है एंड 9500 डिस्टिंक्ट फायर्स वहाँ पे हुई अगस्त 2015 से ही हो रही है। एंड नो फायर्स आर कॉमन इन, क्या ये न्यू है, फायर्स होती रहती है अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर क्योंकि लॉगर्स फार्मर्स सीकिंग की वजह से समर मंथ्स में तो वो वास्ट ट्रैक्स को क्लियर कर देते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज़। कितनी बुरी है ये सिचुएशन, इससे जो 80% इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ रिकॉर्डेड फायर्स कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2018, इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगा। एंड जुलाई 2019 में जो अमेजोन का जो एरिया है वो 1345 स्क्वायर किलोमीटर कम हो जाएगा, मीन्स इससे क्लाइमेट चेंज पे भी फर्क पड़ेगा। ओके नाउ अमेजोन का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप देख रहे होंगे मैप है, ये साउथ अफ्रीका का मैप है एंड यहाँ पे आपका अमेजोन फॉरेस्ट है। तो वर्ल्ड को अमेजोन चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है जो कि सर्वाइव कर सकता है एंड फाइट कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग से। ये प्लानट के लंग्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सक करते हैं एटमोसफियर में एंड फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्राज़ील को क्यों ब्लेम किया गया है, क्योंकि ब्राज़ील का जो फॉरेस्ट कोड है 1965, तो फार्मर्स को अमेजोन लैंड परचेज कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 20% ही फार्म कर सकते हैं, तो ये इसकी प्रॉब्लम रही। एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी 1988 में ख़त्म हो गई, इससे जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थे उनको ओनरशिप मिली उनके लैंड की एंड राइट मिला कि वो टू रिजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंड। फिर 2012 में फॉरेस्ट कोड को रिवाइज किया गया कि डीफॉरेस्टेड लैंड को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। न्यू रेजाइम जो जनवरी 2019 में आया था उसने प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन एंड इट वुड ओपन टू द अमेजोन रीजन फॉर बिजनेस। ओके तो ये आप थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं, रेड प्लस हमने काफ़ी बार कर लिया है, सो यू रिवाइज इट बाई योर सेल्फ। तो ये आप हमने कई बार कर लिया है, कैंपा भी हमने कई बार कर लिया है, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड 2001 का। नाउ रेन्स अपार्ट ब्लेम द डैम्स फॉर महाराष्ट्र कर्नाटका एंड फ्लड्स, तो ये इसके अंदर आपको सभी अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, मेन जो पॉइंट्स थे वो इसके क्वेश्चन में आ गए, सिर्फ केरला को ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र कर्नाटका केरला, तो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पे इनके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिए कि कंट्री के अंदर 5745 रिजर्व्स हैं जिसमें से 293 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, ये भी एक्चुअली हम कर चुके हैं, सो नो नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। नाउ इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी पीएम ने लॉन्च किया था ड्यूरिंग यूएन क्लाइमेट समिट इन न्यूयॉर्क इन ऑन 23 सितंबर 2019। एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे नॉलेज शेयर की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके SPG, NSG एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो थैंक यू सो मच, दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी डन। एंड इसीलिए ये वीडियो क्योंकि 195 पेजेस थे, सो 195 पेजेस करना, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम अलग अलग मंथ्स के करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं, आप उनको चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये हम 2-3 बारी पढ़ चुके हैं तो अभी बार बार पढ़ना ना ऐसा लगता है कि वेस्टेज है, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है, अभी क्या है मैंने 2-3 बार पढ़ लिया, अब आप इसे पढ़ें ताकि आपको भी याद हो जाए एंड अगर आपने भी 2-3 बारी सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे तो याद हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ओके थैंक यू।